हेलो 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 दोस्तों, मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका आईपीएल 2020 के बिल्कुल नए मैच में। मैच नंबर 13 खेलने जाने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। राजस्थान रॉयल्स अभी तक फ्लॉप गए हैं, केकेआर थोड़े इधर उधर रहे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। देखते क्या होता है। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मायने मायने रखता है, मैटर करता है, तो वो मत भूलिएगा। यहाँ पे शुरू करते हैं पैट कमिंस के साथ। केकेआर बॉलिंग कर रही है, आरआर बैटिंग कर रही है और बटलर ने पहली बॉल पे अच्छा शॉट मारा 1 रन के लिए। 5 ओवर का मैच रहेगा ये और हाइलाइट्स रहेंगे, तो आपको पूरा बोरिंग मैच नहीं दिखाऊंगा मैं, या फिर एक्साइटिंग होगा तो भी उसमें से भी एक्साइटिंग चीज़ें दिखाऊंगा, तो आई होप आपको मज़ा आए देखने में। यहाँ पे संजू सैमसन पहला बॉल खेलते हुए, पैट कमिंस वो बढ़िया जिप मिला था उनको, बाउंस भी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे अगला बॉल और इस बार सैमसन बढ़िया पोजीशन में और क्या शॉट मारा है, बैक फुट पे परफेक्ट आ गए और 4 रन मिले इस बार। ओ टॉप एज लगा, मैं कह रहा था कि कमिंस को बढ़िया बाउंस मिल रहा है और ये बढ़िया, ये कितने बार बढ़िया बोल रहा हूँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है उसका। ये देखो स्लीप के ऊपर से बढ़िया 4 रन। अभी बस हो गया, ये पूरे एपिसोड में बढ़िया नहीं बोलूँगा मैं। तो दिनेश कार्तिक गाइडेंस देते हुए यहाँ पे नारायण बॉलिंग करने आए हैं और बैटिंग कर रहे हैं। जॉस बटलर इस बार उठाया 2 फील्डर के बीच में से, मिलेंगे 4 रन और ये कॉन्फिडेंस शॉट तो नहीं था, पर भाई को 4 रन मिल गए बटलर भाई को। और ये क्या, सैमसन पूरे चूक गए और नारायण का ये ऑफ स्पिनर के लिए ड्रीम डिलीवरी रहता है कि जब बॉल जाके टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप को लगता है और नारायण के लिए ड्रीम डिसमिसल। संजू सैमसन आउट हुआ है 10 रन पे 8 गेंदों में, तो बहुत ही ऑर्डिनरी इनिंग्स सैमसन की। पर आते हैं स्टीव स्मिथ, यहाँ पे राजस्थान के कैप्टन, देखते हैं क्या कर पाते हैं। पर फिलहाल बॉलिंग कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा और पहला बॉल डालने जा रहे हैं जॉस बटलर को। और ये ओ बॉल ऑफ द डे, बॉल ऑफ द डे, ये देखो एंगल से आए और हल्का सा इन स्विंग किया बॉल को और जॉस बटलर का बड़ा स्ट्रेट ड्राइव चूकते हुए बॉल जाता हुआ ऑफ स्टंप को हिला देने वाला विकेट, झटका राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पे। और प्रसिद्ध कृष्णा का बढ़िया शुरुआत। दूसरा बॉल बेन स्टोक्स को डालते हुए और बेन स्टोक ने यहाँ पे वैकेंट एरिया में मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं और मिलेंगे 4 रन। याद रखिए ये मैच में सिर्फ 3 फील्डर बाहर रह सकते हैं सर्कल के, तो एडवांटेज है बैट्समैन को। यहाँ पे छक्का लगाया और इस बार फुल टॉस, तो एक चौका फिर एक छक्का और अभी एक और छक्का, 3 गेंदों में 16 रन बेन स्टोक्स के। और क्या शुरुआत की है स्टोक्स ने, अभी तक फ्लॉप गए थे 2 मैचेस में, तो ये मैच में उन्हें जैसी शुरुआत, कैसे लग रहा है कि आज उनका दिन है। प्रसिद्ध कृष्णा पहला बॉल इतना ज़बरदस्त डाले, आगे के 3 बॉल फ्लॉप और इस बार फिर से एक बार लेग साइड पे डाला, कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक बार स्टोक्स को मिलेंगे 4 रन। ओवर का आखिरी बॉल और गए सामने और ये भी जाएगा 6 रन, तो ओवर में आए हैं 26 रन प्रसिद्ध कृष्णा के, और उसमें एक विकेट भी आया, तो सोचो 1 विकेट और 26 रन। कुलदीप यादव आए तीसरा ओवर डालने के लिए, यहाँ पे रन आउट चांस और स्मिथ शायद पहुंच गए, चौथा ओवर है ये, तीसरा ओवर नहीं, और जी हाँ स्मिथ पहुंच गए, कोई खतरा नहीं। ये क्या, स्मिथ फ्यूरियस है गुस्से में और क्यों ना हो, यहाँ पे क्लियरली वो अंदर आ गए थे पर थर्ड अंपायर का बहुत ही घटिया डिसीजन और स्मिथ आउट हो गए हैं 0 पे। पर स्टोक्स खेलते हुए अच्छे फॉर्म में और एक छक्का स्टोक्स के लिए, तो आखिरी ओवर डालने आ रहे हैं आंद्रे रसल और मनन वोहरा ने भी इस बार 6 मारे हैं। तो भाई यहाँ पे राजस्थान ने तो आज डिसाइड ही कर दिया कि उनके क्रिटिक्स को दिखाना है अच्छा खेल के। और ओवर का आखिरी नहीं सेकेंड लास्ट बॉल और स्टोक्स ने इस पे भी 6 मारी है और
क्या कहे अभी स्टोक्स के ये इनिंग्स को, बेहतरीन बैटिंग प्रदर्शन, लाजवाब टाइमिंग, और 41 पे खेले जो कि अभी तक का ये गेम का, ये टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर रहा है, और उसको और भी बेटर करते हुए यहाँ पे स्टोक्स आखिरी बॉल पे 6 रन लगाते हुए 47 रन स्टोक्स नॉट आउट, टीम का स्कोर हुआ है 75 पाँचों में जो कि अभी तक का हाईएस्ट है, और उसमें सुनील नारायण ने सिर्फ 7 रन दिए, तो सोचो बाकी बॉलर्स कितने महंगे थे, स्पेशली आंद्रे रसल और प्रसिद्ध कृष्णा। तो देखते क्या केकेआर ये मैमथ टारगेट चेस कर पाएंगे। चोपड़ा आज बॉलिंग करने आया, शुभमन गिल वापस ओपनिंग के लिए आया है, और इस बार ओ क्या बॉल है, ओ माय गॉड, ये देखो लेट से भी लेट स्विंग, यॉर्कर लेंथ और दो स्टंप्स उड़ते हुए चोपड़ा आज ने गिल को फिर से एक बार डक पे आउट किया है। पहले मैच में भी गिल डक पे आउट हुए थे, फिर उनको डिमोट किया था, अभी फिर से एक बार प्रमोशन मिला और डक पे आउट हुए, तो थोड़ी कठिनाई में गिल और उनके साथ केकेआर, पर अभी आए हैं आंद्रे रसल, देखते क्या बॉल डालते हैं जोफ्रा आर्चर, क्या फिर से एक बार यॉर्कर देखने मिलेगा, और इस बार भी यॉर्कर, पर रसल ने अच्छा निगोशिएट किया बॉल को, एक रन मिलेगा तो केकेआर का खाता खुल गया यहाँ पे। क्या बॉल था यार ब्रो, जो फ्राइजर का भी मेरे दिमाग में दोस्तों, वो विकेट के लिए एक लाइक बनता है। तो आए अभी केकेआर के कैप्टन दिनेश कार्तिक, उनको एक बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा यहाँ पे अगर जीतना है तो, या फिर जीत के करीब भी जाना होगा तो, और शुरुआत जरूर की है, अच्छा पुल मारा 4 रन के लिए, और इस बार भी फिर से वही दिशा में 6 रन मिलेंगे, तो चोपड़ा आर्चर का ओवर 12 रन के लिए जाते हुआ एंड में थोड़ा महंगे साबित हुए, और बॉलिंग डालने आए वरुण आरन, और यहाँ पे शॉट मारा रसल ने, शायद फील्डर वहाँ पे कैच पकड़ सकता है, फील्डर को कैच का चांस पकड़ा है पर शायद उन्होंने बाउंड्री लिया, जी हाँ अंपायर कह रहे हैं कि सिक्स गया है, एक बार रिप्ले में देखते हैं, हाँ उनका पैर क्रॉस किया, तो 6 रन मिलेंगे रसल को, इस बार पुल किया, यहाँ पे फील्डर मौजूद और फील्डर ने कैच पकड़ लिया है, तो डेंजरस मैन आंद्रे रसल वापस लौटते हुए पेवेलियन, और वरुण एरन ने जो वापसी की है यहाँ पे राजस्थान में एक बड़ा विकेट लेते हुए, और इम्पोर्टेंट शायद ये मैच का सबसे इम्पोर्टेंट विकेट, क्योंकि अगर कोई केकेआर के टीम में टारगेट चेस कर सकता तो वो थे सिर्फ आंद्रे रसल, 4 बॉल में 13 रन बना के आउट हुए, तो जरूर शुरुआत मिला था, पर ये आए इंग्लैंड के महारथी कैप्टन इयन मॉर्गन, क्या वो कुछ कर पाएंगे, अभी तक फ्लॉप गए टूर्नामेंट में, देखते हैं ये मैच में कैसे करते हैं। वरुण आरन का बॉल यॉर्कर डालने गए पर अच्छा शॉट मॉर्गन का, और फील्डर को भी क्लियर कर दिया 6 रन के लिए, इम्पॉर्टेंट शॉट, इम्पॉर्टेंट समय है ये मैच का, क्योंकि और एक विकेट और केकेआर हार जाएगी मैच, तो बढ़िया शॉट इयन मॉर्गन का, अगला बॉल डालते हुए वरुण आरन, दो छक्के लगे, एक विकेट मिला, शायद और एक विकेट मिलेगा, फिर से एक बार वही फील्डर, तो दो छक्के और दो विकेट्स वरुण आरन के लिए, बेहतरीन कमबैक, और इयन मॉर्गन फिर से एक बार डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स, एक छक्का लगाया पर अगले बॉल पे आउट हो गए, पुल को नीचे नहीं रख पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, शायद थोड़ा लेट भी खेला बॉल को, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतने पेस से आएगा, तो यम मॉगन 6 पे आउट हुए हैं और केकेआर 25 पे 3। नंबर 5 पे आए हैं नीतीश राणा, बॉलिंग डालेंगे श्रेयस गोपाल, देखते क्या कर पाते हैं नीतीश राणा, पहला बॉल और यहाँ पे स्लॉग स्विप करने गए, टॉप एज लगाया, बॉल स्वर्ल कर रहा है हवे में, इसको कैच करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्या कर कैच कर पाएंगे, और मेरा सेंटेंस खत्म होने तक कैच कर लिया, और एक विकेट जाता हुआ, और राजस्थान बढ़ रहा है बहुत बड़े विकेट या बहुत बड़े विक्ट्री की तरफ, और रन रेट भी इससे बेहतर होगा उनका, ये देखो
बहुत बड़ा स्लॉग स्वीप मारने का, जाने कि उनको शायद बॉल को स्टेडियम के बाहर भेजना था, पर बॉल गया हवे में और जो शॉट थर्ड मैन था उसने थोड़ा ग्राउंड कवर करके अच्छा कैच पकड़ा, क्योंकि बॉल टर्न और ट्विस्ट हो रहा था हवे में, तो इम्पोर्टेंट कैच। और 17 गेंदों में 50 रन चाहिए। सुनील नारायण आया है सामने, अभी भी दिनेश कार्तिक, और नारायण ने पहली बॉल पे 4 रन मारे हैं। आखिरी ओवर डालने आए हैं जयदेव उनाडकट, आखिरी नहीं सेकेंड लास्ट ओवर है, 12 गेंदों में 44 रन चाहिए दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे, और उनाडकट स्लोअर वन, एक्सपेक्टेड था स्लोअर डालेंगे, और फिर से एक बार स्लोअर वन। आप देख रहे हो कि बॉल ग्रिप ले रहा है पिच पे, तो स्लोअर वन खेलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और यही गलती आई थिंक आरआर के सॉरी केकेआर के बॉलर्स ने की, उन्होंने बिल्कुल चेंज ऑफ पेस नहीं किया, तो आसान पड़ा आरआर के बैट्समैन्स को और स्पेशली बेन स्टोक्स को मारना। यहाँ पे 6 गेंदों में 36 रन चाहिए, क्या 6 छक्के लगा पाएंगे दिनेश कार्तिक। बेन स्टोक्स अभी तक के मैच विनर, बॉलिंग करने के लिए पहला बॉल, ओ ओ ओ ऑलमोस्ट विकेट, और इस बार ऑफ कटर डाला, कार्तिक चूक गए, बॉल ने बाउंस ही नहीं किया और अंपायर ने आउट कह दिया है। बेन स्टोक्स ने 47 रन मारे 5 ओवर में, और आके नॉट आउट वो भी, और आके एक विकेट भी लिया है, हालांकि शायद विकेट क्योंकि डीआरएस लेने गए हैं कार्तिक, कोई ऑप्शन नहीं था, आखिरी विकेट है तो लेना उचित रहा यहाँ पे। और कार्तिक ये देखो बॉल बाउंस नहीं, उनको जितना एक्सपेक्टेशन था, उनकी बैट देखो किधर है और बॉल किधर जा रहा है, तो क्लियर बैट तो इन्वॉल्व नहीं है, देखते हैं अभी पिच्ड आउटसाइड ऑफ इम्पैक्ट इन लाइन और हिटिंग अंपायर्स कॉल, तो आउट हो गए दिनेश कार्तिक, कैप्टन आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने क्या कमबैक किया है, राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़ा यहाँ पे 33 रन से जीत लिया है मैच, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो कह रहे थे कि राजस्थान फ्लॉप टीम लग रहा है, उनको ये राजस्थान दिखा दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा, तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर, शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर।